ये PFAC 2022 इंटरव्यू गाइडेंस सीरीज में, इंटरव्यू प्रिपरेशन सीरीज में आज हम इसमें पॉइंट नंबर 6 देखेंगे। ऑलरेडी हमने 5 पॉइंट्स ये देख लिए हैं, तो हर पॉइंट्स छोटे छोटे में ब्रेक करके आप एक एक पॉइंट्स पे वर्क करो। उस चीज पे जितना अधिक वर्क करोगे उतना अधिक फायदा है। ऑलवेज रिमेम्बर कि जब इंटरव्यू बोर्ड में आप पहुंच जा रहे हो, जब इंटरव्यू बोर्ड में आप जा रहे हो, तो आपका अपना जो स्ट्रेंथ है, जो आपका अपना कैपेबिलिटी है, वही काम आएगा। आप ना बुक ले जा सकते हो, ना कॉपी कलम ले जा सकते हो, ना मोबाइल फोन ले जा सकते हो, कुछ भी नहीं ले जा सकते हो। सो जो आप हो, एज ए ओरिजिनल पर्सन जो हो, वही आप जा सकता है। आपके साथ आपकी ओरिजिनलिटी जा सकती है। आपने जो प्रिपरेशन किया है, आपका जो कॉन्फिडेंस है, जो सारी चीजें आपके पास है, वही आपके साथ जा सकती है। तो जितना आप अपने को ओरिजिनल रखोगे उतना आपके लिए फायदा होगा। तो आज हम इसमें, इस वीडियो में पॉइंट नंबर 6 देखेंगे। पॉइंट नंबर 6 में जो है कि आप एक तरह से परफेक्शनिस्ट के फॉर्म में ना प्रेजेंट करो, रादर देन लर्नर के फॉर्म में प्रेजेंट करो। नो पर्सन इज परफेक्ट इन दिस वर्ल्ड एक्सेप्ट गॉड। गॉड को छोड़ दें, आप जिस भी नाम से जानो, ईश्वर, अल्लाह, जो भी आप नाम से जानते हो, वाहे गुरु या जो भी है, वो सब एक हैं। तो उनको छोड़ करके कोई भी परफेक्शनिस्ट नहीं है। ह्यूमन बीइंग जो भी है, उसमें कुछ ना कुछ कमियां हैं। इवन जो इनकार्नेशन ऑफ गॉड है, उसमें लोग कमियां निकाल चुके हैं। कृष्ण में कमियां निकाल चुके हैं, राम में कमियां निकाल चुके हैं, नरसिंह में कमियां निकाल चुके हैं, बामन में कमियां निकाल चुके हैं। तो जो गॉड के इनकार्नेशन है, उनमें तो लोग कमी निकाल चुके हैं। महात्मा गांधी में ये नंबर ऑफ कमी, नेहरू जी को आजकल इतने क्रिटिसाइज किए जाते हैं कुछ सर्टेन सेक्शंस के द्वारा, जैसे लग रहा है कि नेहरू जी से ज्यादा ये काबिल हैं। देश को यदि आज इनको मौका दिया जाए तो पूरे एशिया को अपने में मिला लें। तो क्रिटिसिज्म का होता। तो यहाँ आप परफेक्शनिस्ट की जगह, रादर देन बीइंग अ परफेक्शनिस्ट, प्रेजेंट योर सेल्फ एज लर्नर। ओके, सो परफेक्शनिस्ट आप किसी चीज में नहीं हो सकते। यू शुड बी ट्राई टू मेक योर सेल्फ बेटर। आप हमेशा अपने को बेटर करने की कोशिश करना चाहिए। आप हमेशा लर्न करते रहो, ठीक है? तो ट्राई टू बी अ लर्नर। हर पर्सन जो है कुछ ना कुछ जीवन में सीखता रहता है, कोई भी हो। मैं हमेशा बोलता हूँ कि मैं हर चीज नहीं जानता हूँ। बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे इंफॉर्मेशन है, बहुत सारे चीजें हैं, वो मैं आप लोगों से सीखते रहता हूँ। द मोर आई नो अबाउट डिफरेंट स्टूडेंट्स, द मोर आई गैदर इंफॉर्मेशन, सो मैं उन चीजों से सीखता हूँ, उन चीजों से मुझे लर्निंग मिलती है। और इसमें से मैं, मुझे लगता है कि यस, मैं अब नेक्स्ट जो बैच हर आर होता है, मैं उन्हें थोड़ा बेटर तरीके से, थोड़ा बेटर चीजें प्रेजेंट कर पाऊँ। बट क्या ये परफेक्शन पे कभी पहुंचेगा? नहीं, कभी भी परफेक्शन पे नहीं पहुंचेगा। जो हर बार, जैसे फॉर एग्जाम्पल लो, एक समय जैसे इंटरव्यू में कुछ ईयर में, फॉर एग्जाम्पल मैंने बताया आपको कि लास्ट कपल ऑफ ईयर्स में 113, एक ईयर में उसमें से लास्ट आप वो ईयर्स में देखो 107 हाईएस्ट था, फिर देखो 113, इस बार 120 ये किया। क्या आपको ये लगता है ये लिमिट हो गया है? नहीं, हो सकता है कल के डेट में कोई ऐसे कैंडिडेट हो जो 125 पहुंच जाए, 130 पहुंच जाए। यानी कि आपके पास ऑलवेज स्कोप है। लेकिन ये भी आप नहीं कर सकते हो कि 120 लोग पहुंच गए हैं तो मुझे भी 120 मिलेगा। आप ये आपने देखा हुआ है कि 45 में भी मिले हैं, 50 भी मिले हैं, 60 भी मिले हैं। सो हमेशा एक लर्नर के तौर पे रहो। कोई भी पर्सन जो है वो लर्न करते रहते हैं जीवन, करें ना कि जो जीवन है एक लर्निंग है, वो लाइफ लॉन्ग चलते रहता है। जीवन की पाठशाला में बहुत सारी चीजें आप कुछ किताबों से ज्ञान प्राप्त करते हो, कुछ दूसरे के अनुभव से प्राप्त करते हो, और कुछ अपने अनुभव से प्राप्त करते हो। बहुत सारी चीजें होती है जो किताबों में लिखी हुई है, उसे हम पास्ट की घटनाओं से चीजों को जानते हैं। जो बुक में लिखे हुए हैं, जो न्यूज़पेपर में आपके मटेरियल हैं, उससे आप एग्जाम क्वालिफाई करते हो, और वही बहुत सारी चीजें जो है इंटरव्यू में आपको काम आती है। लेकिन उसके अलावा जो अपने जीवन में आपने अपने सक्सेस, फेलियर, अपने आसपास नियर एंड डियर से जो सीखे हो, या कुछ आपने मूवीज देखी, डॉक्यूमेंट्री देखी, कुछ किसी के रियल लाइफ को स्टडी किया, तो ये सारे चीजों से लर्न करते रहते हो।
rather than say ki yes I'm a perfectionist, you should say ki I'm sometime I try to be a perfectionist, that is my problem, that is my shortcomings, I am trying to rectify, rather than I'm ready to learn. For example, aapse pucha jata hai, jaise kuch aise candidate hote hain ki multiple years mein failure unhone dekha, multiple times, multiple attempts unhone liya, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो सक्सेस नहीं हो पाते हैं. तो इंटरव्यू बोर्ड में पूछा जाता है सम टाइम कि क्या आपको लगता है कि ये जो आपके मिस्टेक्स थे वो आपकी वीकनेस है, और क्यों आप चीजों को ये बोलोगे कि वो हमारे लिए एक लर्निंग था, बहुत सारी चीजें मैं लर्न कर रहा हूँ. कुछ ऐसे कैंडिडेट है ना कि लास्ट टू अटेम्प्ट्स में मैं रिटर्न भी नहीं क्वालिफाई कर पाया, लास्ट थ्री अटेम्प्ट्स में रिटर्न नहीं क्वालिफाई कर पाया, और इस बार टॉप पोजिशन में, टॉप रैंक में से आए. तो चीजें चलते रहती है. तो आप हमेशा ध्यान रखो, लर्निंग आप कभी नहीं सीख सकते हो, कभी भी आप कह ही नहीं सकते हो कि मैं पीक पोजीशन पे आ गया हूँ, मैं एक ऐसी सिचुएशन में पहुंच गया हूँ जहां अब मुझे लर्न करने की जरूरत नहीं है. तो आपको एक तरह से एज ए परफेक्शनिस्ट के तौर पर नहीं, बट एक लर्नर के तौर पर प्रेजेंट करना है कि आई एम रेडी टू लर्न, वॉट एवर सर्कमस्टांसेस कम, वॉट एवर पॉजिटिव निगेटिव कम्स इन माई लाइफ, आई लर्न, आई हैव. लेकिन उसके साथ आपके पास एग्जाम्पल्स होने चाहिए, कुछ एग्जाम्पल्स से आप बैकअप हमेशा करते हो तो फिर आपके लिए वो फायदा होता है. ओके, सो नेक्स्ट और चीजें हम आगे देखेंगे. तो कुछ भी क्वेश्चंस, क्यूरी, डाउट्स जो भी होता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, या फिर हमें इस व्हाट्सएप नंबर 8527146498 या टेलीग्राम नंबर 7404906 69 पे आप मैसेज कर सकते हो. जिनको भी इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम चाहिए, जिनको भी लगता है कि कुछ हमें फायदा हो सकता है, तो यू आर मोस्ट वेलकम. ओके, थैंक यू.